भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है टेंस हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से बिल्कुल बेसिक से टेंस पढ़ने वाले हैं जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे जबरदस्त होंगे ये गारंटी मैं पहले देता हूँ अब से पहले आपने ऐसे टेंस मेरे से अगर पढ़े हैं तो ठीक है अगर आपने कहीं से पढ़े हैं तो इस तरीके से टेंसेज नहीं पढ़े होंगे बिल्कुल अलग तरीका है मेरा टेंसेस को पढ़ने का और पढ़ाने का एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो आज पहली क्लास आपको हलवा क्लास लग सकती है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो मज़ा आने वाला है जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ रखा है उनको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है जिन्होंने एम या सी एच एस एल बेस में मेरे से पहले पढ़ रखा है जी हाँ ओके जी एक थम अप आपको आपका एक थम अप मेरे को मेरे सेशन को स्टार्ट करने पर मजबूर कर सकता है और मैं चाहता हूं आप मुझे मजबूर करो सेशन को स्टार्ट करने के लिए जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू तो ऑल ऑफ यू जी जिंदा है बस जी जिंदा हैं आपके सामने हैं जैसे भी हैं एक थम अप वॉइस नहीं आ रही भाई ये क्या चक्कर है देखना जी जी हाँ जी, एक थम आपका मेरे को सेशन स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है दानिश जी ने दे दिया है एक थम हम पढ़ने वाले हैं क्या किसी को एक थोड़ी सी भी भनक है क्या होते हैं क्या किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है टेंसेज क्या होते हैं थोड़ा सा भी आइडिया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जी ये होता है टेंस आप बता सकते हो थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया हो नन्ना मुन्ना सा भी आइडिया हो बता सकते हो जी है किसी को कोई थोड़ा बहुत आ, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो नहीं आपको आइडिया इसका मतलब नहीं है मेरे भाई वर्ब का वह पार्ट है वर्ब का पार्ट है टेंस आप ध्यान रखना टेंस वर्ब का ही पार्ट है टेंस वर्ब का पार्ट है काल अरे भाई इतनी गजब बात बता दी आपने टेंस काल होते हैं है ना ऐसे मत बोला करो टेंस काल होते हैं इसका काल बुला रहे हो वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बता दे वर्ब के अकॉर्डिंग हमको यह पता चले एक्शन कब हुआ था टेंस कहलाता है वर्ब के अकॉर्डिंग जो तो हम वर्ब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं आपको पता है कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट वर्ब जरूर होता है एक बार को बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस आ जाएगा बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं आ सकता तो वर्ब से हमें पता लगता है हुआ था। तो वर्ब का पार्ट है वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है वर्ब से एक्शन का टाइम पता लगे उसी को बोलते हैं जी हां उसी को बोलते हैं टेंस कैसे जी एग्जाम्पल से समझते हैं है ना एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक्शन देखो जो होता है या तो वो प्रेजेंट में में होता होता है है या या पास्ट फ्यूचर में होता है, में होता है, में होता है। तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। ये प्रेजेंट है कल मैं आपको टेंस पार्ट टू पढ़ाऊंगा ये फ्यूचर होगा और जो कल बीत तो चुका है उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास कराई थी वो मेरा पास्ट था है ना वो हमारी पास्ट की क्लास है जो एक्शन हो चुका है वो पास्ट है जो चल रहा है वो प्रेजेंट है और जो आगे होगा वो फ्यूचर होगा अब तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं दो तो, तीन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेम है आगे प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट सेम है बदला है तो सिर्फ वर्ब अगर बदलाव हुआ है तो मेरे भाई वर्ब में हुआ है सिर्फ वर्ब बदली है और टेंस बदल गया है इसलिए इसको वर्ब का पार्ट बोला जाता है देखो आई 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 कॉफी 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 टू 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 टी टी टी, टी ती, ती, तीनों में सब बात सेम है ना बदली है तो सिर्फ वर्ब बदली है वर्ब बदलने से एक्शन का टाइम बदल गया है जैसे मैं पहले सेंटेंस में बोलता हूँ आई प्रेफर कॉफी टू टी मैं चाय से ज्यादा कॉफी को पसंद करता हूं या मेरे पास अगर दो ऑप्शन होते हैं चाय कॉफी में तो मैं कॉफी को प्रेफर करता हूं मैं चाय से कॉफी को प्राथमिकता देता हूं या चाय के ऊपर कॉफी को प्राथमिकता देता हूं तो देता हूं सेंटेंस ये प्रेजेंट में है कैसे पता चला वर्ब प्रेजेंट की है वर्ब प्रेजेंट की है हाँ जी दूसरे में मन बोला आई प्रेफर्ड कॉफी टू टी मैं कॉफी को टी पर प्रेफर करता था एक्शन पास्ट का है यह मेरा भाई पास्ट का टेंस हो गया पास्ट का टेंस है और तीसरा क्वेश्चन है आई विल प्रेफर कॉफी टू टी मैं कॉफी को चाय के ऊपर प्रेफर करूंगा अगर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं चाय कॉफी के तो मैं कॉफी को चूज करूंगा कॉफी को प्रेफर करूंगा तो मेरे भाई यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर का हो गया आपने एक चीज देखी सिर्फ वर्ब बदलने से वर्ब बदलने से टेंस बदल जा रहा है वर्ब बदलने से टाइम बदल जा रहा है वही तो टेंस है वही तो टेंस है सिर्फ वर्ब बदली है और टाइम बदल जा रहा है एक्शन का वही टेंस है इतनी सी बात समझ में आई हाँ जी हाँ नहीं कॉफी टूटी करते हैं इतनी सी बात समझ में आई हो तो एक थम अप आप मुझे देंगे फिर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूं फिर मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं जी हम्म ओके ठीक है जी होता क्या है प्राइमरी वर्ब जो होती है टेंस बनाती हैं जो हम टेंस पढ़ते हैं ना टेंस जो पढ़ते हैं वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है ना या फिर सिर्फ मेन वर्ब होती है लेकिन मॉडल्स प्लस मेन वर्ब जो होते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं मॉडल्स अलग पार्ट है टेंस का ही पार्ट है लेकिन मॉडल्स अलग होता है आपके एग्जाम में मॉडल्स जो पार्ट जो है ये मेरे भाई अकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है अकेडमिक का पार्ट है ये जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हो ना फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ उसमें ये प्लस ये दोनों चलते हैं कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में इसको नहीं पूछा जाता है ये पूछा जाता है बस Tenses से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में चाहे वो एस के एग्जाम्स हो चाहे वो बाकी अदर वन एग्जाम्स हो उसमें और टीचिंग में भी इनको पूछा जाता, है। ये टीचिंग में भी पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम्स में भी अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स देने जा रहे हो तो आपको ये तो देखो सब में आता है ये भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि टीचर जो होता है वो अकेडमिक इंग्लिश पढ़ाता है तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं इसको मैं पढ़ा दूंगा एक क्लास में बता दूंगा मोटी मोटी बातें इसको हम साइड में रख देते हैं अभी हम फोकस करते हैं अपना टेंस पर है ना अभी हम टेंस पर अपना फोकस करते हैं मेरे भाई बात बिल्कुल इतनी सी है बिल्कुल इतनी सी बात है जो टेंस होता है टेंस टेंस के तीन पार्ट होते हैं टेंस के पार्ट होते हैं है, तीन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस था इसकी घरवाली का किसी को पता नहीं है इसके हुए तीन बच्चे हाँ. इसके हुए तीन बच्चे टेंस था अब इसकी घरवाली कौन थी भाई नहीं पता गुमशुदा है, है अनोनमस है इसकी घरवाली जी इसके थे तीन बच्चे हाँ जी ओके पहले बच्चे का नाम इसने रखा पास्ट तो दूसरे बच्चे का नाम इसने रखा प्रेजेंट और तीसरे बच्चे का नाम रखा फ्यूचर तो टेंस कितने काइंड के होते हैं मेरे भाई टेंस कितने काइंड के होते हैं आप मुझे बताएंगे हाँ एमटीएस में मैंने 22 राइट किए हैं 25 में से बहुत अच्छी बात है जी रिंकू जी बहुत बढ़िया आपकी मेहनत बहुत अच्छी रही है, इसका मतलब एमटीएस में तो आप मुझे बताएंगे टेंस कितने काइंड के होंगे जब भी कोई पूछे तो आप बोलेंगे टेंस होते हैं तीन काइंड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब हुआ क्या अब ये पूरी ऐसी फैमिली है कि इनमें घरवाली का पता ही नहीं चलता टेंस की घरवाली कौन है नहीं पता जी टेंस की घरवाली का नहीं पता अब इसने अपने तीनों बेटे की शादी कर दी तीनों बेटों की इसने शादी की तो जो पहला बेटा था उसके हुए चार बेटे पहले बेटे के हुए चार बेटे पहले बेटे का नाम उसने रखा इंडेफिनिट आई एन डी लिख रहा हूं मैं तो दूसरे बेटे का नाम इसने रखा कॉन्टिन्यूस तीसरे बेटे का नाम रखा इसने परफेक्ट और चौथे का नाम रखा इसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है जी टेंस के तीन बेटे घरवाली का पता नहीं तीनों बेटे के चार औलाद इसके बेटे के चार बेटे हुए पहले का नाम इसने रखा इंडेफिनेट दूसरे का कॉन्टिन्यूस तीसरे का परफेक्ट चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब सेम ये बोला भाई मैं भी ही नाम रखूंगा सेम इसने भी अपने बेटे के चार नाम रखे सेम इसने भी चार नाम रखे इसके भी चार बेटे हुए इसके भी चार बेटे हुए ठीक है जी तो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस हो जाते हैं हमारे बारह चार 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 बारह अब आपने एक बात देखी होगी आपको वो मूवी याद है धमाल मूवी जब वो लिफ्ट लेकर डब्लू को ढूंढने जाते हैं गोवा में डब्लू को ढूंढने जा रहे होते हैं तो लिफ्ट लेते हैं अरसद वारसी और दूसरा जो बब्बन बब्बन और वो तो वहाँ एक उनको मिलता है कोई आ, नाम तो मैं भूल गया तो उससे गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं वो तो क्या नाम अय्यर बहुत बढ़िया वेणुगोपाल अय्यर जी ठीक है मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर राधा कृष्ण मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर है ना बल्ल भट्टाचारी राधास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर है ना हाँ जी ठीक है तो वो बार बार क्या करता रहता है वो बार बार पहले अपना नाम भाई अय्यर उसका नाम वेणुगोपाल उसके पापा का नाम तो वेणुगोपाल अयर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अयर मुत्तुस्वामी उसके दादा का नाम वेणुगोपाल उसके पापा का नाम अय्यर उसका नाम तो पहले वो अपने आप का नाम फिर पीछे दादा का नाम लग, पापा का नाम फिर दादा का नाम हाँ हाँ चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर तो दादा को परदादा को खरदादा को सरदादा को नरदादा को सबको जोड़ता हुआ चलता है तो जो टेंस का आविष्कार हुआ था वो भी मेरे को लगता है साउथ इंडिया में हमारे में हुआ है सेम इनके भी वही नाम है इसने बोला मेरे पहले बेटे का नाम रहेगा इसका खुद का नाम मेरा नाम और दादा का नाम तो पहले टेंस का नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस दूसरे बेटे का नाम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तीसरे बेटे का नाम पास्ट परफेक्ट टेंस चौथे बेटे का नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना सेम यही काम इन्होंने किए सेम यही काम इन्होंने किए हाँ मुत्तु स्वामी चुन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर इसने बोला मैं भी अपने बेटे का नाम ऐसे रखूंगा अब देखो सबके नाम तो वही है अब मैं उल्टा सीधा लिख सकता हूं इनडेफिनेट इधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसने भी सेम यही नाम रखे हैं इसने भी सेम यही नाम रखे हैं तो ये तो हुई बात समझने वाली टेंस तीन काइंड के होते हैं तीनों टेंस के चार चार पार्ट होते हैं तो टोटल कुल मिलाकर टेंस के अकॉर्डिंग बारह काइंड के सेंटेंस होते हैं इसके नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इसके नाम फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए ठीक है जी तो ये आपको इतना समझना था अब आ जाते हम आगे की बात पर दूसरी स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि आप टेंस को पहचानेंगे कैसे हाँ जी आप टेंस को पहचानेंगे कैसे जी सबके कमेंट मेरे पास पहुँच रहे आपको मैं चार पांच बातें बस मैं बताऊंगा चार पांच बातें बताऊंगा आपका टेंस खत्म हो जाएगा आपका टेंस खत्म हो जाएगा किसी भी देखो हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं मेरे भाई अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ वी वन दिखे या वी टू दिखे या मेरे भाई आपको सेंटेंस में डू दिखे डज दिखे या डिड दिखे इस तरीके से मैं लिखता हूं इस तरीके से वी वन हो या वी टू हो या डू Do, डज हो या डिड हो मेरे भाई ये तो प्रेजेंट की फॉर्म है और ये पास्ट की फॉर्म है तो मेरे भाई अगर इनमें से कोई भी आपको किसी सेंटेंस में दिखता है इनमें से कोई भी दिखता है आपको वी वन दिखे वी टू दिखे डू Do ड दिखे डिड दिखे आपको आंखें बंद करके सेंटेंस बोल देना है वो कहीं ना कहीं इंडेफिनेट का पार्ट होगा जी कैसा होगा इंडेफिनेट का पार्ट होगा सही है जी हां जी इंडेफिनेट का पार्ट होगा जी ठीक है जी पहली बात खत्म हो जाती है हमारी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज लिखा हुआ दिख जाए हैव लिखा हुआ दिख जाए या फिर हैड लिखा हुआ दिख जाए तो आप बोलोगे जी जो सेंटेंस है ना वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं परफेक्ट में होगा किस में होगा मेरे भाई परफेक्ट में होगा परफेक्ट में होगा अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज दिख जाए तो आप बोलोगे जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में होगा हैज के बाद वी आती है आती है ना आप बोलोगे जी आती है मैं टेंस वाली बात बता रहा अगर सेंटेंस इनमें से कोई एक है ठीक है जी हां हैज है प्रेजेंट वाली फॉर्म है ठीक है जी तीसरी स्लाइड ले लो अगर आपको विल सेल किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं सेल किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो आप आंखें बंद करके बोल दोगे सेंटेंस फ्यूचर में है सेंटेंस फ्यूचर में है फ्यूचर में है अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी दिखती है तो आप बोल दोगे सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है Continuous में है क्या चार बातों में आपके टेंस अगर मैं खत्म कर दूं किसी को कोई दिक्कत अगर चार बातों में मैं पूरा सेंटेंस टेंस खत्म कर दूं किसी को कोई दिक्कत अगर आपको किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी दिखती है तो आप बोलोगे सेंटेंस कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस है अगर आपको किसी भी सेंटेंस में विल सेल दिखता है तो आप बोलोगे टेंस फ्यूचर में है फ्यूचर में है फ्यूचर में है अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड दिखता है तो आप बोलोगे सेंटेंस परफेक्ट में है परफेक्ट में है परफेक्ट में अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दिखे या डू do डज दिखे डू do डज की पास्ट फॉर्म डिड होती है तो आप बोलोगे टेंस इंडेफिनिट में है इनडेफिनिट में है इनडेफिनिट में है जी हाँ बताओ जी बताओ हम ये आपसे पढ़ चुके हैं कैसा लगा था पढ़ के परवीन बानो जी कैसा लगा था क्या उससे पहले कभी किसी ने आपको ऐसे पढ़ाए थे जी ठीक है सिखाता की हेल्पिंग वर्ब, बनाना सिखाता हूं। हेल्पिंग वर्ब आपको खुद बनानी है मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना सिखाता हूं मैं यहां पे एक टेंस का नाम लिख रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताओ जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने यहां पे लिखा आप खुद मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ग बना के दिखाओ एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं बाकी आप फिर खुद बना दोगे आप बोल रहे हो जी फ्यूचर है ना तो विल सेल जरूर होगा विल या सेल दोनों में से एक मैंने बोला अगर परफेक्ट है तो हैज या हैव या हैड जरूर होगा अब मेरे को हैज हैव हेड में से एक लेना है आपको मैंने पढ़ाया है मेरे भाई विल सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है Will सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आप मुझे बताओगे विल सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आप बोलोगे जी विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मेरे भाई have की फर्स्ट फॉर्म है had की सेकंड फॉर्म है हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है having की फोर्थ फॉर्म है और हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये V1 है ये V2 है ये V3 है ये V4 है ये V5 है जैसे कि गो होती है वेंट होती है गॉन होती है गोइंग होती है और गोज होती है जैसे गो वेंट गॉन गोइंग गोज होती है गो वेंट गॉन गोइंग गोज आप बोलोगे जी अभी आपने बताया था हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ना तो मैं हैज को ले सकता हूं ना मैं हेड को ले सकता हूं मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेरी मजबूरी है हैव को लेना मैंने हैव को ले लिया मैंने हैव को ले लिया फ्यूचर की कंडीशन सेटिस्फाई परफेक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को वर्ब में आईएनजी चाहिए तो मेरे भाई सेंटेंस में की हेल्पिंग वर्ब होगी विल सेल हैव और मेन वर्ब में तो आई एन जी रहेगी लेकिन आपको मैंने बताया है हैज हैव के बाद अगर कभी भी वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहां पे बिचौलिया बीच में काम आती है बीन बीन बीन, बीन बजा दो जी है ना बीन अब देखो सबकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी

ये नाराज हो गया ये बोल रहा है तो मेरे बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसलिए इसको बीन फिक्स दे दी मीडिएटर बिचौलिया दे दिया सेटिस्फाई करने के लिए मैं आपसे पूछता हूं आपको बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बतानी है आप बोलोगे जी मुझे पता है कहीं भी सेंटेंस में परफेक्ट लिखा दिख जाए या तो है जा सकता है या है वा सकता है या है आ सकता है लेकिन सेंटेंस में पास्ट लिखा हुआ है। हैज वर्ब की बेस जो सिंगुलर फॉर्म है, है वर्ब की प्रेजेंट वाली फॉर्म है हेड वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है जो वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म है ना हैज हैड है में से ये पास्ट वाली फॉर्म है तो मैं हेड ले लूंगा भाई परफेक्ट मतलब या तो ये या ये या ये लेकिन पास्ट के लिए ये ले लिया मैंने और इसके बाद हेड के बाद मेन वर्म में, वर में थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्म में, वर में थर्ड फॉर्म आती है कतई सिंपल सी बात है कंफ्यूज कर रहे हो सर क्लास बहुत लंबी है एक घंटे की क्लास है क्लास को पूरा तो करने दो पूरा तो करने दो मैंने बोला आप मुझे टेंस बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में मेरे भाई इज एम आर आते हैं इज एम आर आते हैं और कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे बाद वर्ब में आई ले लो मैंने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूस बता दो पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस आप बोलोगे प्रेजेंट में तो एम आर आता है पास्ट में वॉज वर आता है वाज वर। और कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे बाद वर्ब में आई एन जी ले लो अब मैं इधर ही आपसे पूछता हूं अब मैं इधर आपसे पूछ लेता हूं कि आप बता दो मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है ना तो आप बोलोगे परफेक्ट लेता है हैज हैव या हैड जिसमें ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है ये पास्ट वाली फॉर्म है तो सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रेजेंट मेरे भाई हैड नहीं आ सकता अगर सेंटेंस सिंगुलर है सब्जेक्ट तो तो हैज वरना हैव और मेन वर्म में वी थ्री मेन वर्म में वी थ्री हो जाएगा मेन वर्म में वी थ्री अब मैं आपसे पूछता हूं आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको क्लू पकड़ने हैं आप बोलोगे जी परफेक्ट का मतलब है या तो है, या है, या, है, या हैड तीनों में से कोई एक ले लो अब तीनों में से एक लेने की मेरी चॉइस है लेकिन सेंटेंस में पास्ट दिया हुआ है ये प्रेजेंट वाली फॉर्म ये प्रेजेंट वाली फॉर्म पास्ट वाली फॉर्म ये है तो मैंने ले लिया हैड और आगे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस Continuous बोलता है मेरे लिए आई में जी ले, ले ली लेकिन अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है क्योंकि हेड के बाद तो भी थ्री आती है अगर वर्ब आएगी तो यहां पे तो वर्ब में आई दे रखी है तो वहां पे आते हैं हमारे बिचौलिए काम वहां पे आते हैं हमारे बिचौलिय काम और बिचौलिय कौन है मेरे भाई बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिचौलिया बनती है मेरे को कहीं भी बिचौलिया चाहिए दो लोग बिचौलिय बनते हैं ये वाली बात आपने यहां लिखना जब मैंने आपको ये कराई है ना ये इसके नीचे आपको ये वाली बात लिखनी है जब भी मेरे को बिचौलिया चाहिए तो या तो मैं लूंगा बीन बी को अगर मेरे को वी वन चाहिए और मैं या फिर लूंगा बीन को अगर मेरे को वी थ्री चाहिए अगर मेरे को वी थ्री चाहिए V3 चाहिए तो बीन ले लो V1 चाहिए तो बी ले लो अगर मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है बस ये समझौता करा देते हैं बस ये समझौता करा देते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता दो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप बोलोगे सर फ्यूचर दिखते ही मेरे माइंड में या तो विल आता है या सेल आता है और कॉन्टिन्यूस दिखते ही मेरे माइंड में वर्ब में आईएनजी आती है क्या कंडीशन सेटिस्फाई है हाँ क्या कंडीशन सेटिस्फाई है आप बोलोगे जी विल सेल के बाद वी वन आती है और यहां पे तो मेन वर्ब आई एन जी दे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है सेटिस्फाई कब हो जाएगी जब मैं बिचौलिए को बीच में ले आऊंगा और मेरे को बिचौलिया चाहिए मॉडल के बाद V1 और V1 का काम करता है B अभी मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया तो हमारा टेंस की फॉर्म बन जाएंगी विल सेल बी प्लस वर्ब में आई एन जी ठीक है अब हम कुछ सेंट जो टेंसेज है उनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ टेंसेज मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं आप बताएंगे टेंस कौन सा वाला है कौन सा है आप बोलोगे सर जी हैज लिखा हुआ है अगर हैज लिखा हुआ है तो पक्का कहीं ना कहीं ये परफेक्ट होगा आगे बढो मेन परफेक्ट है अब जो हैज फॉर्म है मेरे भाई वो प्रेजेंट की फॉर्म है पास्ट की फॉर्म है वो प्रेजेंट की फॉर्म है पास्ट की फॉर्म है आप बोलोगे जी हैज प्रेजेंट की फॉर्म है तो प्रेजेंट लिख दो आगे तो पहला वाला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पहला वाला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही बात है किसी को है नहीं दिक्कत नीचे वाला क्वेश्चन ले लो आपको दिखा है had. आप बोलते हो मेरे को हैज हैव हैड दिखते ही मेरे माइंड में सबसे पहले परफेक्ट आता है परफेक्ट आता है अब जो परफेक्ट है ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है पास्ट वाली फॉर्म है आप बोलोगे जी हेड पास्ट वाली फॉर्म है तो मैंने आगे पास्ट लिख दिया मैं आगे बढ़ता हूं बीन तो बिचौलिया है बीन से मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा मेरे को हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब तक पहुंचना है आगे मेन वर्ब में आईएनजी है और मेन वर्ब में आईएनजी दिखाती है कॉन्टिन्यूस को तो सेंटेंस हो गया कॉन्टिन्यूस तो ये मेरा टेंस बना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी को है दिक्कत बताओ जी फिर से समझा देता हूं हैज हैव हैड दिखते ही आप बोलोगे परफेक्ट है मैंने परफेक्ट लिख अब ये हैज हैव हैड भाई पानी प्रेजेंट वाली फॉर्म है पास्ट वाली आप बोलोगे जी हेड पास्ट फॉर्म को डिनोट करता है मैंने आगे पास्ट लिख दिया मैं आगे बढ़ा मेरे को बिचौलिया बीच में दिखा बी और बीन बिचौलिया होते हैं मेरे को मेन वर्ब तक जाना है मेन वर्ब में आई एन जी दिखी आई एन जी तो कॉन्टिन्यूस में आती मैंने कॉन्टिन्यूस लगा दिया मतलब इतना आसान है इतना आसान है टेंस को आइडेंटिफाई करना उनकी हेल्पिंग वर्ब खुद से बनाना पता नहीं क्यों इतना इनका जो दया चाल मचा कर टीचर्स रखते हैं टेंस को ऐसे ऐस, ऐसी खिचड़ी पका देते हैं ऐसी खिचड़ी पका देते हैं कि बस पूछो मत हमने भी उसी तरीके से पढ़ा था जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा ता है ती है ते है याद रखो चार्ट बना के रट लो चार्ट बना के रटो हैज है प्रेजेंट में हैड पास्ट में विल सेल फ्यूचर परफेक्ट विल है बीन, विल हैव हैव बीन है बीइंग पता नहीं क्या क्या हद हो जाती है जी ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप क्वेश्चन करने लगे आपने देखा विल सेल दिखते ही सबसे पहले मैं लिखूंगा फुटूरे है ना ये हो गया फुटूरे है ना तुम मत बोलना फुटूरे देखिए वो मीम्स फुटूरे एफ यू टी यू आर ई फुटूरे छोले भटूरे तो ये हो गया फ्यूचर आपने देखा हैज हैव दिखते ही आप बोलते हो ये परफेक्ट है ये परफेक्ट है तो आपने लिख दिया परफेक्ट भाई विल सेल फ्यूचर को बताता हैज है, है और आगे आपको मेन वर्ब तक जाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है मतलब सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट जी हा बताओ जी सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट हाँ जी अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं आप बोलोगे विल सेल दिखते ही मुझे बस फुटूरे दिखे है आपने फ्यूचर लिख दिया बी तो मीडिएटर है मुझे नहीं पता ये तो बिचौलिया है बस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आप आगे बढ़े आगे, आगे आपने मेन वर्म में, वर में आईएनजी दिखी और मेन वर्म में, वर में आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में तो हो गया कॉन्टिन्यूअस मेरे भाई वो पास्ट वो ना वॉइस में आता है बीइंग वगैरह जो आप बोल रहे हो वो पैसिव वॉइस में आता है हाँ जी हाँ हाँ जी 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 सेंटेंस पैसी वॉइस में नहीं है नहीं जी सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है किसने बोला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है नीचे वाला क्वेश्चन देख लो आप बोलोगे डिड आपको दिख रहा है डू डज डिड इंडेफिनिट को दिखाता है आपने लिखा इंडेफिनिट और डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन डू डज प्रेजेंट वाली फॉर्म है डिड पास्ट वाली फॉर्म है तो आपने पास्ट लिख दिया आपने पास्ट लिख दिया सिंपल सी बात है भाई कतई सिंपल सी बात है है ना जी हाँ पास्ट आगे बढ़ पहले मेरे भाई आपको है ना आपको कहीं जाना है आपको किसी नए घर में जाना है है ना तो जब तक आप वहाँ के लोगों से परिचित नहीं होगे अच्छे से तो आप उनके व्यवहार को कैसे सीखोगे कैसे जानोगे तो सबसे पहले टेंस को पहचानना तो सीख लो उनकी हेल्पिंग वर्ब बनाना तो सीख लो डायरेक्ट मैं आपको टेंस पढ़ाने लग जाऊँ यूजेस पढ़ाने लग जाऊँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ यहाँ यहाँ पे होता है पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ यहाँ यहाँ पे होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ यहाँ यहाँ पे होता है कोई मतलब नहीं बनता मेरी तरफ से अब हो सकता है मैं गलत हूँ मैं भगवान को भैया तो हूँ नहीं भाई मैं ही हमेशा सही रहूँगा ऐसा तो है नहीं सिर्फ मैं ठीक हूं सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूं और मेरे से अलग कोई सही नहीं ऐसा नहीं हो सकता ठीक है जी हाँ। बताओ तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए कौन कौन से हैं आप बोलोगे डिड दिखते ही ना मेरे माइंड में इंडेफिनिट आता है सबसे पहले इंडेफिनिट है ये और जो डिड है वो पास्ट वाली फॉर्म है इसका मतलब ये पास्ट है और डिड के बाद वी वन आती है फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सारी चीजें फिट हो गई अगला सेंटेंस आप बोलोगे विल सेल दिखते ही मेरे माइंड में फुटूरे आता है तो ये हो गया फ्यूचर और हैज़ हैव दिखते ही मेरे माइंड में परफेक्ट आता है ये हो गया परफेक्ट और हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट विल सेल के बाद वी आती है फर्स्ट फॉर्म है के बाद वी आती है लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्न की है. एक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है जैसा मैंने आपको पढ़ाया वो मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने मैंने वर्ब बेसिक में आपको एक बात बताई थी मॉडल के बाद वी वन आती है ना है ना वी थ्री आई, आई है ना जी मिस्टर शिव कुमार जी कैसे करोगे रहोगे मेरे भाई हाँ जी हाँ नीचे क्वेश्चन दे लो आप बोलोगे इज एम आर तो प्रेजेंट में आता है प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट हो गया और मेन वर्ब में आई तो कॉन्टिन्यूस में आती है सेंटेंस कॉन्टिन्यूस हो गया इससे इजी कुछ है जी बेकार में आप इनको रट रहे थे हाजी जी विल द पेशेंट भी ड्रॉइंग द पिक्चर आप बोलोगे विल दिख के फ्यूचर दिखा और आगे बढ़ा द पेंटर जो है वो सब्जेक्ट है बी तो मीडिएटर है मेन वर्ब में आई एन जी दिखी कॉन्टिन्यूस दिख गया आगे बढ़ जाऊं पाकिस्तान हैज दिख के आपको परफेक्ट दिखा हैज हैव हैड परफेक्ट में आते हैं लेकिन हैज प्रेजेंट वाली फॉर्म है तो आपने आगे प्रेजेंट लिख दिया और लूज लॉस्ट लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है आप बोलोगे विल सेल जो है ये तो फुटुरे है फ्यूचर है जो है परफेक्ट है और मेन वर्ब में आई एन जी कॉन्टिन्यूस है मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब आपको क्या रटने की जरूरत है क्या रटने की जरूरत है हाँ मॉडल के बाद भी भी बनाती है मॉडल नहीं आते ना टेंस के अंदर हाँ, हाँ जी जी हाँ ठीक है अब मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चंस देता हूं आपको बताने हैं कमेंट करके एक दो तीन कौन कौन से टेंसेज हैं बताओ जी कौन कौन से हैं? मैं थोड़ा सा तब तक आराम फरमा लूँ। बताओ जी कमेंट मेरे को सबके दिख रहे हैं सबके बताओ जी अब आप अपने आंसर्स मैच करेंगे मैं सबके आंसर्स लिख रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद वी थ्री मिल गई के बाद वी थ्री आती है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट रह गया आपने लिखा परफेक्ट प्रेजेंट वाली फॉर्म है पास्ट वाली फॉर्म आपने लिखा प्रेजेंट इसके बाद वी थ्री आ गई सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट है ना आपने देखा इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं और मेन वर्ब में आई एनजी कॉन्टिन्यूस में आते हैं सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गए हाँ जी क्या आपके तीनों आंसर सही हैं हाँ फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गजब अरे वाह मेरे सेरो गजब गजब कतई एक नंबर एक नंबर जी आगे बढ़ जाता हूं फिर से एक दो तीन आपको दे रहा हूं आपको दे रहा हूं अपनी इंद्रियाँ जगा लो इंग्लिश पढ़ने बैठे हो तुम अपनी इंद्रियाँ जगा लो बताएंगे देखो जो मेरे से सीखेगा टेंस मैं देखो मैं जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं वो पत्थर की लकीर मुझे लगता है या तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा या फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा हाँ जी या फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा जी बताओ ऐसा मुझे फील होता है कि टेंस जो मेरे से सीखेगा या तो उसका जिंदगी भर का टेंस का कलेस खत्म है या फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा और ज़्यादा बेचारा पहला थोड़ा बहुत जान होगा मैं उसे और उल्टा कंफ्यूज कर दूंगा अब वो आपके ऊपर आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं <coughs> सॉरी आप बोलोगे आपको हैज दिखा आपने लिखा परफेक्ट है ना और हैज जो है प्रेजेंट वाली फॉर्म है तो आपने प्रेजेंट लिख दिया अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो आपको देखना है प्रेजेंट पास्ट है अगर बीच में आता है तो ये पहले ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कंडीशन ले चुका होता है बीन तो बिचौलिया है इससे पता नहीं चलता पता चलता है मेन वर्ब में, वर में आई एन तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट इज एम आर प्रेजेंट को दिखाता है मेन वर्ब में आई एनजी कॉन्टिन्यूस को दिखाता है वाज प्रेजेंट पास्ट को दिखाता है मेन वर्ब में आई एन कॉन्टिन्यूस को दिखाता है तो so, सेंटेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस जी हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और ले लो जी क्वेश्चन ढेर सारे हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ वोमैन परफेक्ट है ना तो प्रैक्टिस सिर्फ मैन को ही नहीं प्रैक्टिस एक वुमेन को भी परफेक्ट बनाती है तो जितने भी यहाँ पे मैन है जितने भी मैन है मैन मतलब मेल है मैन मतलब फीमेल है सब आंसर दो और बताओ कौन सा टेंस होगा बताओ जी बताओ बताओ तो मैंने भी तो पास्ट कॉन्टीन्यूस बताया है पास्ट ही तो लिखा है मैंने भी ऐसे मत क्या करो यार तुम ऐसे मत क्या करो एकदम दिल में धक धक सी हो जाती है कि गलत करा दिया मैंने एकदम से ऐसे धक 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 हो जाती है कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया बेइज्जती हो गई हमारी हम भी इंसान हैं यार हमसे भी गलतियाँ हो जाती है हम भी इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश के लर्नर ही हैं हम भी अभी भी सीख रहे हैं आप लोगों से कहीं से रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं इंग्लिश में तो हमसे भी इंसान ये गलती हो जाती है कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें है, चीज़े। है जैब हो गया मेरे भाई परफेक्ट अभी डिसाइड हुआ है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये शुरू में पहला वाला पहली वर्ब डिसाइड कर देती है प्रेजेंट है या पास्ट है फ्यूचर है इसका मतलब परफेक्ट है लेकिन अभी भी मेरे को डिसाइड करना होगा प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है मेरे भाई ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है और बीन तो वही है सिटिंग आपका कॉन्टिन्यूस हो गया है ना हैज हो गया मेरे भाई क्या प्रेजेंट परफेक्ट मेन वर्ब में आई कॉन्टिन्यूस हो गया विल हो गया फ्यूचर पहली वाली वर्ब डिसाइड करती है सेंटेंस प्रेजेंट में है पास्ट में है फ्यूचर में है और दूसरी वाली ये बोल रही परफेक्ट है और मेन वर्ब में वी थ्री हैज है, है के बाद तो वी थ्री आती है तीसरा वाला हो गया फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट आगे बढ़ जाता हूं आप बोलोगे डू डज डिड ये इंडेफिनिट को दिखाता है पहली, न? 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 कम केम कम थर्ड फॉर्म सेम होती है भाई हैव के बाद आनी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है कम केम कम इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म ही आई हुई है निश्चित से बात है ठीक है आप बोलोगे जो डिड है ना ये इंडेफिनिट को दिखाता है लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो पहली वाली वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी बता के जाएगी और जो डिड है ना ये पास्ट फॉर्म है तो आपने पास्ट लिख दिया इसके बाद वी वन आती है जी वी वन आ गई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया विल सेल फ्यूचर को दिखाता है पहली वाली वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताती है फ्यूचर बता दिया फ्यूचर बता दिया बी तो बिचौलिया है कुछ पता नहीं चल रहा मेन वर्म आई एन जी कंटीन्यूअस को बताती है सेंटेंस कंटीन्यूअस हो गया सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया आप बोलोगे हैज हैव हैज किसको दिखाती है परफेक्ट को दिखाती है लेकिन यही बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में है पास्ट में है फ्यूचर में है पहली वाली वर्ब बताती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इससे पता चला परफेक्ट यही डिसाइड करेगा प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर ये वाली फॉर्म प्रेजेंट की होती है तो आपने लिख दिया प्रेजेंट ठीक है जी और मेन वर्ब में आई एन जी कॉन्टिन्यूस को हो गया, हो गया किसी को एनी दिक्कत यहां तक किसी को एनी दिक्कत हाँ जी बताओ हुँ? किसी को यहां तक एनी दिक्कत जी को रुको आप मत बताओ कनिशा जाट जी जी जाटनी आप ही बताओ लो जाटनी जी आप बताओ सारे है ना हाँ माल बहुत है मेरे पास जखीरा बहुत है ये देखो माल मतलब जो कंटेंट है देखो इतने सारे कहाँ तक जहां तक तुम्हारा मन करे ना वहां तक पहचानो खूब आराम से चेयर मुझे मिल जाए तो मैं बराबर में बैठ जाऊं तुम आराम से पहचानते रहो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बताओ जी नहीं जी बताओ जी जी मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा आप पुटूरे कॉन्टिन्यूस पुटूरे परफेक्ट वी थ्री है बस मेन वर्ब हैजेब के बाद वी थ्री आती है बिल्कुल ठीक है परफेक्ट लेकिन यही डिसाइड करेगा प्रेजेंट वाला पास्ट वाला फ्यूचर वाला हैड पास्ट वाली फॉर्म है तो पास्ट हो गया और मेन वर्ब वी थ्री है तो सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट जी हाँ ओके okay. आगे बढ़ जाता हूं एक दो बताओ क्या होगा सही आंसर हाँ जी आप बोलो कॉम्प्रीहेंशन बता दो कॉम्प्रीहेंशन अभी नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा कॉम्प्रीहेंशन वकेब से मिलके बनता है ग्रामर से मिलके बनता है तो कॉम्प्रीहेंशन ना मैंने भी आपको वॉकैब पढ़ाई है उस लेवल की ना ग्रामर पढ़ाई तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ा दूं उसके लिए मेरी आपके लिए ये सलाह है दो सलाह मैं आपको दूंगा एक रोज प्रीवियस ईयर दो आप क्लोज टेस्ट पैसेज दो पैसेज क्योंकि आपको सी देना है दो क्लोज टेस्ट और आपको चार पी क्यू आर एस रोज सॉल्व करने चाहिए मैं आपको तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का वही तरीका आपको बताऊंगा जो मैं तरीका बता चुका हूं जिस तरीके को मैं आपको बता चुका हूं एम के प्रैक्टिस सेट में तो आपको कुछ नहीं करना यूट्यूब पे जाके मेरा नाम डाल के कॉम्प्रीहेंसन प्रैक्टिस सेट बाय विपिन सर डाल देना सर डालने का मन करे तो सर डालना सर डालने का मन नहीं करे तो बिल्कुल मत डालना ठीक है जी बिल्कुल सही बात है तो आप वहां मैंने लगभग आठ के करीब मैंने आपको करा रखे हैं जिसमें मैंने आपको तरीका बताया है पैसेज को कैसे किया जाता है क्लोज टेस्ट को कैसे हम टैकल करें पी को कैसे टैकल करें हाँ जी उस तरीके से आप रोज प्रैक्टिस करो इस बैच में भी पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा सारी चीजें पढ़ाने के बाद लास्ट में तो तब तक आप वहां से प्रैक्टिस करो आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी हाँ जी हाँ एम टी एस वाली वीडियोज देखिए तो आपने देखा होगा अलग तरीके से मैंने हर टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाया जी मेरा अलग तरीके से हर टॉपिक हाँ ओके जी आगे बढ़ जाता यहां पे मैं आपको बता दूं हैज हैव दिखाता है परफेक्ट को और ये परफेक्ट में प्रेजेंट वाली फॉर्म है तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हेड दिखाता है परफेक्ट को और ये हेड पास्ट वाली फॉर्म है और सेंटेंस मेन वर्ग में आईएनजी हो गया कॉन्टिन्यूस मेन वर्ग में आईएनजी हो गया कॉन्टिन्यूस बीन तो बिचौलिया है बीन तो बिचौलिया है क्योंकि हेड के बाद मेन वर्ग में आईएनजी नहीं आ सकती तो ये बीन तो आ सकती है इसलिए बीन बज गई है यहाँ पे हाँ जी हाँ बीन बज गई है हाँ ठीक है जी आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बता दो ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बता दो क्या आप ये लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं क्या आप इनको प्रैक्टिस करके जी हाँ इतनी प्रैक्टिस से आप सेटिस्फाई हो कि हाँ अब हम टेंसिस पहचान लेंगे टेंसिस खुद से बना लेंगे हाँ ऊपर भाई ऊपर जाना दर्द किस बात का हो गया वीडियो देख कर सर दर्द हो जाता है तब भी लगता है कुछ नहीं आता आप बताओ क्या करें क्या बताओ हाँ वकेब की क्लास कल भी हुई थी आज भी होगी अलग हो रही है ये लास्ट में आपको बता रहा हूं आप बोलोगे हेड दिखाता है परफेक्ट को और हेड जो है यहीं पर डिसाइड हो जाएगा प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है पहला वाला हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को डिसाइड कर देती है तो मेरे भाई ये पास्ट वाली फॉर्म है तो मैंने यहाँ पे पास्ट लिख दिया और आगे है मेन आई एन जी इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है फिर ये बीन क्या है तो है तो बीन बजा रहा है बस बीच में है ना आपने देखो हैज हैव हैड दिखाता है परफेक्ट को और ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है और मेन वर्ब में आई एन जी कॉन्टिन्यूस को दिखाता है है ना और वी टू दिखाता है इनडेफिनेट को इंडेफिनिट को v1 या v2 टू इंडेफिनिट वी वन या v2 टू इंडेफिनिट वी टू प्रेजेंट वाली फॉर्म है पास्ट वाली आप बोलोगे जी पास्ट वाली आपने पास्ट लिख दिया सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट ठीक है ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं एक दो तीन वर्कशीट में भी आपको ये मिल जाएंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बहुत है 25 बहुत है अब मैं आपसे क्विक रिकैप ले लेता हूं क्विक रिपैक रिकैप ले, ले लेता हूं देखते हैं आपको कितना समझ में आया नहीं यार क्लास के टाइम देखो ना आप तुम ना है ना वायरस शास्त्र बुद्धि मत बना करो रे है ना कि एक हाथ से लिख रहे हो माइंड के दो पार्ट कर लिए आइंस्टीन में इतनी बुद्धि थी अगर आप अपने आप को आइंस्टीन का लेवल का समझते हो आइंस्टीन इस तरफ फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था इस तरफ मैथ की अगर आप अपने आप को आइंस्टीन के लेवल का समझते हो तो आप ऐसा काम कर सकते हो लेकिन अगर आप सच में आइंस्टीन के लेवल के हो फिर आपको शोभा तो नहीं देता एस की बेइज्जती अगर आप एम सीजीएल की तैयारी करते हो फिर बेज थी एस एक आइंस्टीन के लेवल का माइंड का बंदा एस की तैयारी कर रहा है तो या तो आपको में आइंस्टीन का लेवल नहीं है अगर है तो फिर आप एस के साथ धोखा कर रहे हो अपने साथ धोखा कर रहे हो फिर एस एस सी सीजीएल की तैयारी मत करो तो मेरे भाई एक बार में या तो समझ लो या लिख लिया करो आपको अपने हाथ की राइटिंग समझ में आती अपने ही हाथ की पसंद है तो आप पीडीएफ से देख के लिख सकते हो ठीक हाँ। है जी हाँ ठीक है अब मैं आपसे कुछ टेंसेज पूछता हूं आपको खुद हेल्पिंग वर्ब बनानी है आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी है मेरे भाई आपको बनानी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की है ना पास्ट इंडेफिनेट की प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की और फ्यूचर परफेक्ट की हम कितना सीखे यह भी तो पता लगना जरूरी है ना कि हमने सीखा भी है हवा में ही तीर चल गए हमारे है ना हाँ, हाँ, हाँ. हवा में ही हमारे तीर चले चल हैं या फिर हमने कुछ सीखा भी है बताओ जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आप बोलोगे जी फ्यूचर देखते ही ना मेरे माइंड में एक चीज आवा है विल सेल आएगा या तो विल या सेल और कॉन्टिन्यूस देखते ही मेरे माइंड में एक चीज आवा है कि मेन वर्ब में आईएनजी आएगी लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि आपको पता है विल सेल के बाद तो वी वन आती है यहां तो मेन वर्ब में आईएनजी है तो अगर मैंने वी, वी वन वी वर्ब में आईएनजी को वी वन कर दिया तो ये नाराज हो जाएगी तो जहां पे नाराजगी आ जाए वहां बिचौलिया काम कर जाता है वहां पे बिचौलिया काम कर जाता है आपने देखा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होगी तो जो कॉमन फ्रेंड होता है ना वो फिर बिचौलिया बन जाता है दोनों की तरफ से मम्मी पापा में लड़ाई हो रखी है तो मम्मी अपने पापा से बोल देना दो किलो चीनी ले आएंगे तो पापा अपनी मम्मी से बोल देना दो एक कप चाय बना देगी है ना तो पापा और मम्मी आपको बना लेते हैं मीडिएटर बिचौलिया आपका काम मम्मी पापा ये कह कह रहे रहे पापा मम्मी ये इतना रह जाता है तो यह बिचौलिया का काम सिर्फ इतना है विलसेल बोलता है मेरे को वीवन चाहिए कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे को आई एन जी चाहिए बीच में बिचौलिया की जरूरत है और वो भी वीवन और वीवन मैंने आपको बिचौलिया बताया बीई हो जाता है ठीक है बिचौलिया ई हो जाता है सही बात है आपने बोला इंडेफिनिट में चार चीजें आ सकती हैं चार चीजें मैंने आपको इंडेफिनिट में या तो v1 बताया था या v2 बताया था या डू डज बताया था या फिर डिड बताया था लेकिन यहाँ पे एक सर तोड़ लिखी हुई है एक सर तोड़ लिखी हुई है कि जो सेंटेंस है इंडेफिनिट चाहिए मेरे को पास्ट वाला तो ये तो प्रेजेंट वाली फॉर्म है ये नहीं आ सकती डू डज प्रेजेंट वाली फॉर्म है ये नहीं आ सकती तो पास्ट इंडेफिनिट में या तो वी टू आएगा या फिर डिड आएगी या तो वी टू आएगा या फिर डिड आएगी ठीक है जी अब मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब आपको देखो आपको पता चला जो परफेक्ट होता है ना उसमें चार चीजें आ सकती हैं तीन चीजें या तो हैज या है व, या हैड या तो हैज हैव या हैड है अब सेंटेंस में एक बात और बोली गई है सेंटेंस में एक बात और बोली गई है कि मेरे को प्रेजेंट वाली फॉर्म चाहिए तो मेरे भाई हेड तो पास्ट वाली फॉर्म हो जाती है तो या तो है जाएगा या हैसिन्यूस है, है। तो बोलता है मेरे को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए लेकिन अभी दोनों में नाराजगी है, है ना तू तो आना कर मेरे सजना है ना तो अभी वो वाली इनमें रुसे हुए हैं नाराजगी चल रही है आप बोलोगे जी नाराजगी कैसे दूर होगी ये कंटीन्यूअस तो बोलता है मेरे को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए और परफेक्ट बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और जहां आईएनजी चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए बिचोलिया बोलता है तुम दोनों के बीच में मैं बैठ गया लो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी मेन वर्ब में आईएनजी होगी दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी भाई तो हैज हैव को मिल गया हैज हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म गई कॉन्टिन्यूस को मेन वर्ग में आई एन जी है ना एक एक चीज अपनी बोली गई बात को प्रूफ कर रहा हूं भाई मुकर तो नहीं रहा हूं आप बोलोगे फ्यूचर है ना आंख बंद करके मेरे को या तो विल चाहिए या सेल चाहिए और परफेक्ट है ना मेरे को या तो हैज चाहिए या हैव चाहिए या हैड आ सकता है परफेक्ट में तीन ही तो चीजें आ सकती हैं या हैज या हैव या हैड विल सेल बोलता है मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हैज तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है यह वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए विल सेल प्लस हैव आ जाता है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है किसी को एनी दिक्कत अब मैं आपसे पूछूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस बताओ तीन की बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी हेल्पिंग वर्ब खुद से बनाओ नाम से हेल्पिंग वर्ब बनाओ भाई या तो हेल्पिंग वर्ब में टेंस में दी होंगी तो आप वहां से टेंस निकाल लोगे या फिर टेंस का नाम से आप खुद हेल्पिंग वर्ब बना लो खुद हेल्पिंग वर्ब बना लो बताओ जी खुद हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो आप बोलोगे जी पास्ट दे रखा है ना पास्ट परफेक्ट दे रखा है परफेक्ट से मेरे को पता चला या तो हैज आएगा याड आएगा ठीक या है, है जी हैज हैड लेकिन सेंटेंस में दे रखा है पास्ट वाली फॉर्म तो है, को दिखाता है ये नहीं आ सकते इसका मतलब हैड ही आएगा पक्की सी बात है और दोनों से बैठे हुए हैं हेड बोलता है मेरे को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे को तो वर्ब में आईएनजी चाहिए तो बिचौलिया कब काम आएगा बीन बीच में बिचौलिया हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड बीन प्लस मेन वर्ब में ड बीन प्लस मीन वर्म में आई एन जी हो जाएगा ठीक है जी अब प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलोगे तो वही वाली बात आ रही है प्रेजेंट देखो परफेक्ट हैज हैज या हैड। लेकिन प्रेजेंट वाली बात है तो हैड नहीं आ सकता हेड नहीं आ सकता इसका मतलब या तो हैज याव है और परफेक्ट है मेरे भाई वर्ग के थर्ड फॉर्म बाद में आ जाती है बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूस में मेरे भाई वर में आई आती है और पास्ट में वॉज वर आता है वॉज वर आ जाता है ठीक है जी बताओ सही है जी हाँ 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 जी? हाँ. जी? हाँ जी सही है किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो क्लास एक बार फिर से देख सकते हो जी ठीक है आगे बढ़ जाऊँ खुद से अब अगर आपको कोई वर्ब टेंस का नाम बताओ खुद से हेल्पिंग वर्ब बना दोगे खुद से हेल्पिंग वर्ब बना दोगे भाई खुद से बना देनी चाहिए हाँ जी ठीक है अब मैं आपसे इसी क्लास में एक छोटी सी चीज़ और चाहता हूँ कोई छोटी सी चीज़ मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसे कर सको मैं चाहता हूं कि सेंटेंस में जैसे कि यहीं पे कराऊं नहीं चलो फिर आप लोग ज्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे आज सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं है ना जब मैं टेंस का यूज कराऊंगा ना तब मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं यूज कराऊंगा तब मैं सिखाऊंगा अभिषेक जी थैंक यू मेरे भाई थैंक यू वेरी मच भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे तो क्लास को भाई यहीं पे खत्म करता हूँ आज मेरा टारगेट था आपको टेंसिस को पहचान कराना उनको सिखाना वर्ब उनकी खुद आपकी फिंगर टिप पे लाना आप टेंस के नाम से वर्ब पह बना सको या वर्ब से टेंस का नाम बता सको अगर मैं इसमें सफल हुआ हूं तो मेरी क्लास इसका मतलब सही रही है जी हाँ जी ओके ओके दोस्तों कल मिलते हैं आई एम सॉरी वॉकैब की क्लास में मिलते हैं शाम को पाँच बजे तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ते रहे बाय बाय थैंक यू टेक केयर Jehin. <laughs> hint.